All right. Digestive system comprises of two things. एक elementary canal, which is a long pipe that starts from mouth and ends to anus. तो जो green वाला मैंने track बना रखा है, this is called elementary canal. इसे क्या बोलते हैं? इसमें अगर हम देखें elementary canal के बाहर कुछ organs रह गए जो elementary canal का part नहीं है. These are called the glands. ये क्या कहलाते हैं? Glands का example है liver. लिवर के साथ गॉल ब्लैडर भी है दैट स्टोर्स लिवर सिक्रीशन. उसके अलावा पैंक्रियास, ये दोनों ग्लैंड्स हैं. ये क्या है? ग्लैंड्स. तो अगर मैं बोलूं डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, तो यू विल फर्स्ट से इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड ग्लैंड्स. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल माने जो पाइप है. दिस पाइप स्टार्ट फ्रॉम माउथ, देन ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन स्मॉल एंड लार्ज बोथ आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ये सारा एलिमेंट्री कैनाल है. बट जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है वो जगह है जहाँ से खाना नहीं होके गुजरता, पर उनकी सिक्रीशंस वहां पे जरूर ऐड होती है. और वो जगहें हैं लिवर, पैंक्रियास. लिवर और पैंक्रियास जो है कॉमन एक पार्ट. उसके लिवर से क्या हमारा खाना होके गुजरता है? नहीं. लिवर कुछ सिक्रीशंस देता है जो कि सिक्रीशंस हमारे कैनाल में जाती है. पैंक्रियास आल्सो सिक्रीट समथिंग, यानी कुछ रिलीज करता है जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है. तो पॉइंट ये कह रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं कि हमारे पास ग्लैंड्स जो है दे प्रोड्यूस एंजाइम्स. ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंजाइम्स हमारी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं. ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इन ग्लैंड्स की और मेन स्पेसिफिकली लेट अस टॉक अबाउट एलिमेंट्री कैनाल के मेजर ऑर्गन्स की. पहले माउथ की बात करें तो टीथ जो होता है फिजिकल ब्रेकडाउन वहीं पे शुरू कर देता है. और ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड. तो ये टीथ जो है फिजिकली फूड को क्या करता है? ब्रेक. तो दिस इज कॉल्ड डाइजेशन हैज स्टार्टेड इन टीथ इटसेल्फ. टीथ में ही ब्रेकडाउन शुरू हो गया चाहे फिजिकली था. अच्छा, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है. सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवा कौन सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, अब सलाइवा के अंदर तीन चीजें होती है, सलाइवरी अमाइलेज, कुछ आयंस और एक एंजाइम लाइसोसाइम. ठीक है, तीन चीजें सलाइवरी अमाइलेज आयंस एंड लाइसोसाइम. लाइसोसाइम जो होता है एंटी माइक्रोबियल होता है बिकॉज इट किल्स द बैक्टीरिया. जो भी हमारे खाने के अंदर बैक्टीरिया घुस जाएगा उसे किल कर देगा. ठीक है, ये बात क्लियर है. अच्छा, अब शुरू करते हैं स्टमक से. ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट माउथ के बाद. ईसोफेगस लीड्स टू अ जे शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड द स्टमक. डायग्राम बनाओगे स्टमक का? स्टमक के अंदर देयर आर थ्री रीजन. स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन. कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन. ठीक है, इट्स वॉल हैज, वैसे इसके तीन रीजन होते हैं पर वो अभी याद करने की जरूरत नहीं है. एक होता है कार्डियक, एक होता है पाइलोरिक और एक होता है फंडस रीजन. कार्डियक, पाइलोरिक एंड फंडस ऑप्शनल है, तुम्हें लिखना है तो लिख लेना. ठीक है, इसके तीन रीजन होते हैं कार्डियक, पाइलोरिक एंड फंडस. ठीक है, अब इन तीन रीजन के अलावा इसकी जो वॉल्स होती है, इसकी जो वॉल्स है उसके अंदर हमारी कुछ ग्लैंड्स हैं. तो इसकी वॉल्स के अंदर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स और ये ग्लैंड्स हमारे इंपॉर्टेंट है बहुत. ठीक है, तो ग्लैंड्स, द वॉल्स ऑफ स्टमक आर लाइंड बाय, वॉल्स ऑफ स्टमक आर लाइंड बाय स्मॉल पेप्टिक ग्लैंड्स. ठीक है, पेप्टिक ग्लैंड्स तीन तरह के होते हैं. एक होते हैं स्मॉल पेप्टिक ग्लैंड्स. ठीक है, पेप्टिक ग्लैंड सिक्रीट दिस ग्लैंड
these glands secretes. ग्लैंड का वैसे सिक्रीशन काम होता है एंजाइम का. दीज ग्लैंड सिक्रीट पेप्सिन. क्या सिक्रीट करते हैं? पेप्सिनोजेन. पेप्सिनोजेन विच इज एन इनएक्टिव एंजाइम. ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे. पेप्सिनोजेन क्या करता है लिख लेते हैं. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो स्टमक की सेल्स हैं उसके अंदर कुछ सेल्स हैं जो ग्लैंड्स का काम करते हैं और वो ग्लैंड्स का नाम है पेप्टिक ग्लैंड. पेप्टिक ग्लैंड सिक्रीट करता है एक सब्सटेंस, एक एंजाइम का इनएक्टिव पार्ट जिसे बोलते हैं पेप्सिनोजेन. तो ये पेप्टिक ग्लैंड्स ने क्या रिलीज किया स्टमक में? पेप्सिनोजेन. क्या रिलीज किया? याद एक बात समझ में आई. अभी क्या करेगा उसको हम थोड़ी सी देर में जानेंगे. अब बोलो प्रूफ क्या कहते हैं अचरण. दीस ग्लैंड सिक्रीट. सिक्रीट माने प्रोड्यूस. ठीक है सर. बोलो सर. इट लाइजेस एंड किल्स ऑल द बैक्टीरिया सर. व्हाई डू स्पिल इट फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड? इट डज नॉट किल ऑल द बैक्टीरिया बट जितना वो कर सकता है क्योंकि लाइजोजाइम का भी लिमिटेड अमाउंट है. तुम खाना खा लो पांच बर्गर या चार वो पैटीज तो उसमें बैक्टीरिया कुछ तो पहुंचेंगे ही है ना, जो फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं. ठीक है, एनीवेज वो बहुत थोड़ा सा अमाउंट में एंटीमाइक्रोबियल है. इसका मतलब ये तो नहीं कि डिटॉल और सेवलॉन का हम काम खत्म कर देंगे. ठीक है, तो इट इज नॉट एज इफेक्टिव एंड वो थोड़ा कम अमाउंट में भी होता है. अच्छा, स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन. वॉल्स ऑफ द स्टमक आर लाइन बाय स्मॉल पेप्टिक ग्लैंड्स. दीज ग्लैंड्स सीक्रेट पेप्सिनोजेन. एक और तरह की ग्लैंड प्रेजेंट है इसके अंदर और वो ग्लैंड्स हैं पैराइटल ग्लैंड्स या ऑक्सेंट्रिक ग्लैंड्स. ठीक है, तो अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दी अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड इन स्टमक ग्लैंड्स इन स्टमक आर पैराइटल और ऑक्सेंट्रिक सेल्स. पैराइटल और ऑक्सेंट्रिक सेल्स विच सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मतलब हमारे स्टमक में देयर इज HCl. क्या है? HCl. और HCl सिक्रीटिंग ग्लैंड्स क्या कहलाते हैं? पैराइटल ग्लैंड्स. और ये कौन से ग्लैंड सिक्रीट, ये क्या सिक्रीट करते थे? पेप्सिन वाले ग्लैंड्स. दे यूज्ड टू सिक्रीट पेप्सिनोजेन. नहीं किया? शायद नहीं किया. कंफर्म नहीं किया? इसका फर्स्ट टाइम है या उधर दरवाजा खुले नहीं है? उधर आके यहाँ पे बैठो. तो आज मॉर्निंग में रिपोर्ट हो या सीधा मेरी पेरेंट्स से बात करोगे या घर भेज दूँ? छोड़ दूँ? देख लूँ क्या? पहले चेक तो कर लूँगा करा लिया अभी उसने. कहीं से आया ना? कहीं से पार्टी से आ रहा है? घूम के है? पार्टी से आ रहा है? घूम के आ रहा है? किधर ट्यूशन? बड़ी मेहनत की वार्निंग सेव नहीं है. कुछ नहीं हो रहा है, यूज योर वर्ड. नेक्स्ट टाइम छोड़ो मारी नेक्स्ट. सिंपल सिंपल मजा नहीं आता. जब तू आएगा तब मजा आएगा, जब तू छोड़ो. अच्छा, पैराइटल और ऑक्सेंट्रिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? एसिड HCl. हाथ में लगे तो जल जाए, इतना स्ट्रॉन्ग. और पर वो तुम्हारे स्टमक में है. कहाँ पे है? तो स्टमक में कैसे है उसकी भी बात करेंगे. तो अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड इन द स्टमक इज पैराइटल और ऑक्सेंट्रिक ग्लैंड.
थर्ड एसिड अटैक होते हैं एसिड अटैक होते हैं एसिड अटैक से हां इससे एसिड से हां अच्छा अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड इन स्टमक इज पैराइटल और ऑक्सिटिक सेल्स नेक्स्ट टू प्रोटेक्ट चलो वो भी बाद में लिखते हैं फंक्शनिंग अभी बाद में तो A third type of gland is goblet cell. A third type of gland is goblet cells. ये जो goblet cells हैं, which secrete mucus? G-A-G-O. Which secrete mucus. Okay, goblet cells का function है mucus product. अब इन सब की functioning क्या है? इससे बात करते हैं. तो what is the function of these secretions? जिन्हें हम बोलते हैं, इन सब को मिला के बोलते हैं gastric juice. क्या बोलते हैं? Gastric juice is the secretion of all the glands of the stomach. Gastric juice में पहली चीज क्या है? Pepsinogen. क्या है? Pepsinogen. ठीक है, तो goblet cells भी हैं जो क्या produce कर रहे हैं? Mucus. जैसे secrete कर रहे हैं. तो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स तो कितने टाइप की ग्लैंड्स हो गए स्टमक में तीन फर्स्ट पेप्सिनोजेन सिक्रीटिंग पेप्टिक ग्लैंड नाम में पेप्सिन ठीक है और सेकंड इज एसिड प्रोड्यूसिंग ऑक्सिटिक या पैराइटल सेल्स और थर्ड म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स तीन तरह के हमारे ग्लैंड्स हुए अब अगर हम बात करें इसमें पेप्सिनोजेन का क्या रोल है पेप्सिनोजेन इज एन इनएक्टिव इज An inactive enzyme is inactive form of is inactive form of proteolytic enzyme pepsin क्या मतलब है समझा हम ही कह रहे हैं कि हमारा जो एक यहाँ पर एंजाइम प्रोड्यूस होता है पेप्सिन क्या नाम है उस एंजाइम का पेप्सिन प्रोटियोलाइटिक है प्रोटियो माने प्रोटीन और लाइसिस माने ब्रेकडाउन तो प्रोटियोलाइटिक का मतलब होता है प्रोटीन ब्रेकिंग क्या मतलब होता है प्रोटीन ब्रेकिंग तो प्रोटीन को तोड़ने वाले प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम क्या है जो स्टमक में रिलीज होता है पेप्सिन पेप्सिन इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ऑफ दी बॉडी जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है ऐसे प्रोटीन डाइजेस्टिंग के लिए एक वर्ड यूज किया है सांची क्या प्रोटियो बोलो सांची अग्रवाल प्रोटियोलाइटिक क्या बोला प्रोटियोलाइटिक ठीक है प्रोटीन को ब्रेक करने वाला ठीक है अच्छा इस एंजाइम का नाम है पेप्सिन क्या नाम है और पेप्सिन को जनरेट करने वाला पेप्सिनोजेन पेप्सिनोजेन क्या है पेप्सिन को जनरेट करने वाला तो विच इज इनएक्टिव पेप्सिन और पेप्सिनोजेन इनएक्टिव कौन है पेप्सिनोजेन जैसे ही वो जनरेट कर देगा पेप्सिन को वो एक्टिव हो जाएगा तो पेप्सिनोजेन में से जेन हट जाएगा वो बन जाएगा पेप्सिन क्लियर ये पॉइंट जेन माने उसको बनाने वाला जनरेट करने वाला ठीक है तो इनएक्टिव है पेप्सिनोजेन एक्टिव है पेप्सिन पेप्सिन का क्या काम है अंश प्रोटियोलाइटिक का मतलब क्या है प्रोटीन को तोड़ने वाला अगली बार बिना बोर्ड देखे जवाब देना ठीक है नेक्स्ट सेकंड इज HCl HCl का क्या रोल है HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजेन पेप्सिन बनता है मतलब पेप्सिन HCl के दो रोल है फर्स्ट इट एक्टिवेट्स पेप्सिन इट एक्टिवेट्स पेप्सिन और सेकेंड इट
it also kills the microbes in the food. जो microbes हैं हमारे food में उसको भी क्या कर देते हैं तोड़ सर अब तो दो बार फूड के माइक्रोब्स को तोड़ रहे हैं अब फूड पॉइजनिंग हो जाती है ठीक है अच्छा तो पॉइंट इज दिस हमारे हर खाने में बैक्टीरिया होता ही है ना तो उसको मारना जरूरी है पर बहुत बार इतना ज्यादा बैक्टीरिया होगा जब उस फूड में जो तुमने बहुत खराब खा लिया तो उसमें तो ना एचसीएल कुछ कर पाएगा और ना सलाइवा ठीक है तो पॉइंट इज दिस नेक्स्ट एचसीएल पेप्सिन को एक्टिवेट करता है एचसीएल का मेन रोल क्या है इट एक्टिवेट्स पेप्सिन यानी पेप्सिन वो जिनको पेप्सिन बनाने वाला एचसीएल है क्लियर है पॉइंट सेकंड इट आल्सो किल्स द माइक्रोब्स तीसरी बात ठीक है एचसीएल का रोल है पर एचसीएल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हाथ वगैरह भी जला दे और पेट के अंदर तो पेट को जला दे तो उसको पेट को एचसीएल से कौन बचाएगा म्यूकस कौन बचाएगा म्यूकस की लाइनिंग तो म्यूकस द लाइनिंग ऑफ म्यूकस प्रोटेक्ट्स वॉल्स ऑफ द स्टमक या वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ये पूरे कैनाल पे होती है थोड़ी थोड़ी ठीक है वैसे म्यूकस वॉल्स ऑफ कैनाल फ्रॉम एसिड यानी एचसीएल से बचाने के लिए म्यूकस है तो तीनों के रोल समझ आए क्या क्या फर्स्ट पेप्सिन का क्या रोल है क्या करता है प्रोटीन तोड़ता है पर वो रिलीज किस फॉर्म में होता है पेप्सिनोजेन पेप्सिनोजेन को पेप्सिन कौन बनाता है एचसीएल का एक और रूल माइक्रोब्स को किल करता है अच्छा हाउ डज स्टमक लाइनिंग गेट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम एचसीएल विद द हेल्प ऑफ म्यूकस तो स्टमक के बारे में सब समझ आया नोट कर लिया सबने गैस्ट्रिक जूस को भी लिख लिया वॉल्स ऑफ कैनाल एलिमेंट्री कैनाल सर मारना बंद करो कौन मार ठीक है बढ़े आगे नेक्स्ट पे यस सर लेट अस टॉक अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन या लिवर लिवर ओके पॉइंट नंबर थ्री तो लिवर इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी डायग्राम बनाना है इसका नहीं मैं आपसे पूछ अच्छा मैं बनाऊं नहीं मैं पूछ रहा था कि बनाना ही है नहीं अभी मैं बताऊंगा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इट वेज कितना लगता है 5 बहुत ज्यादा 1.2 टू 1.5 के बीच ठीक है तो 1.5 किलो तक इसका वेट होता है सर हर किसी का रहता नहीं हो सकता तो इसे तो 1.2 टू 1.5 बच्चों का भी इसके बीच में आता है हां नहीं बच्चों का तो बहुत छोटे बच्चों का तो कम ही आता होगा ये एडल्ट की बात है हां एनीवेज तो लिवर ए सिक्रीट्स व्हाट डू यू नो एनीथिंग बाइल जूस वेरी गुड लिवर सिक्रीट्स ब्राइट बाइल मैं पहले ही क्लास अच्छा लिवर सिक्रीट्स बाइल एंड बाइल इज कंसिस्ट ऑफ बाइल सॉल्ट्स बाइल सॉल्ट्स ठीक है इट इज
काइंड ऑफ लाइक माइल्ड सॉल्ट्स होते हैं, कुछ बिलीरुबिन बिलीवर्डिन वो नहीं लिखवा रहा मैं, पर ये सॉल्ट्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इट हेल्प्स इन इसका रोल क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? हाँ, ब्रेक डाउन तो तेज भी करता है, तो ये कुछ लिवर फैट्स को इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? छोटे देखो पॉइंट इज दिस, जो हाँ बोलो कजन क्या मिला गूगल पे? अच्छा तो ये बिगर ड्रॉपलेट है, ये क्या है? फैट. ठीक है, और फैट के बिगर ड्रॉपलेट को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब डाइजेस्ट नहीं करता, बड़ी सी ड्रॉप, तो वो उसको छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ना चाहते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स. तो फैट की जो लार्ज ड्रॉपलेट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट में तोड़ने का काम है, दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन. उसे क्या बोलते हैं? तो इट इज दी तो पानी देता हूँ, पानी को टीथ से तोड़ के दिखाओ. फैट्स नहीं होता, पर फैट भी तो लिक्विड है, लिक्विड को तोड़ पाएगा दांत से? नहीं तोड़ पाएगा ना, उसे ड्रॉपलेट में करके दिखा जीभ से या दांत से नहीं हो पाएगा. तो पॉइंट इज दिस, इमल्सिफिकेशन मींस ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर वंस. ये काम किसका है? ये से फिजिकली ब्रेक कर रहे बाइल, ये से बस बड़ी ड्रॉप से छोटी छोटी ड्रॉप में तोड़ रहा है. ये बात समझ में आई? ऐसे ही काम कुछ सोप भी करते हैं. सोप जो होता है बड़ी जो ऑयल का पार्टिकल होता है ऑयल, उसको छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ देता है, इमल्सिफाई कर देता है. ठीक है, तो ग्रीस और ऑयल. अब लिवर के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो लिवर का डायग्राम ऑन डिमांड आज वो किरित और कृष्ण कहां थे? कृष्णा लेट हो गया, इतना लेट अरे लेवर रोहित को क्या हो गया? बात ही नहीं हुई. क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं नहीं आऊंगा, मेरा मजाक उड़ा दिया. अरे नहीं, असल में उसके फाफड़े कहीं और लगवाए, शिफ्ट हो गया. नहीं, उसका ट्यूशन कहीं और लगवाए, उसने कही थी मुझे कि ना वो तो मेरे पापा से चुप कर आ गया. चुप क्या आ गया? हाँ, अच्छा फिर आ जाएगा वो, कहना चाहिए मेरा आ गया. अरे देखो लिवर जो है इसके अंदर सिक्रीट होता है हमारा बाइल. क्या सिक्रीट होता है? तो लिवर जो बाइल सिक्रीट करता है वो बाइल स्टोर हो जाता है एक पाउच टाइप स्ट्रक्चर में, जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर. उसे क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर लिवर के पास ही होता है. ठीक है, और इसमें क्या स्टोर होता है भविष्य? इसमें बाइल स्टोर होता है. तो बाइल से बाइल और फिर हमारा एक पाइप में जाता है जिसे बोलते हैं कॉमन बाइल. क्या बोलते हैं? बाइल. मतलब गॉल ब्लैडर और लिवर से दोनों से एक पाइप निकलती है. पहले गॉल ब्लैडर से इसको बोलते हैं हिपैटिक डक. क्या बोलते हैं? हिपैटिक डक. और फिर हिपैटिक डक जॉइन हो जाता है गॉल ब्लैडर से आने वाले डक से और बनाता है कॉमन बाइल डक. क्यों? क्योंकि इसमें बाइल
इसका निदानशा भी बंद करना जरा, छोटा सा डायग्राम है बस बनाना है तो बना लो, अगर एक्स्ट्रा है वैसे, अगर नहीं बनाना तो भी छोड़ सकते हो। द पॉइंट इज दिस कि लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है, लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल। और बाइल किस में स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से भी एक पाइप निकलती है जो कि लिवर की पाइप से जुड़ जाती है, और ये दोनों मिलके बाइल सीक्रेट करते हैं, और इसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इसे क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल। ठीक है, तो कॉमन बाइल डक्ट ओपन वेयर? कॉमन बाइल डक्ट ओपन इनटू द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ पार्ट्स हैं, उनमें से एक है ड्यूडेनम। स्पेलिंग में बोल दिया ड्यूडेनम, D-E-U-D-O, ड्यूडेनम देख रहे ड्यूओडेनम ये लिखा ना मैंने, ड्यूओडेनम। ठीक है, तो ड्यूओडेनम इज, चलो बात देखी लो, स्ट्रक्चर भी देखना, स्मॉल इंटेस्टाइन। हेलो, हाँ शादी बोलो, मैं भी करूँगा क्लास में। अच्छा ड्यूओडेनम तुम देख सकते हो, ये रीजन जहां पे स्टमक पहली बार स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, ये रीजन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये यू शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं ड्यूओडेनम। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेजर रीजन होता है इसको हम बोलते हैं जियोजेनम, एंड देन देयर इज इलियम। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं, पहला ड्यूओडेनम, देन जियोजेनम, देन इलियम, तीन पार्ट्स हैं। अब इसमें से जो लिवर की आने वाली डक्ट है और जो पैंक्रियास की आने वाली डक्ट है वो भी मिल जाती है बाद में, और वो दोनों ड्यूओडेनम पे जाके एंटर करते हैं, तो इससे बोलते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? अभी करेंगे सर, स्पिंस्टर भी होता था। क्या? स्पिंस्टर होता था वो, ये इंडक्स में नहीं होता, वो स्टमक से फूड आने वाले को कंट्रोल कर रहा है, ये जो है ये अपनी सिक्रीशंस रिलीज कर रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, कॉमन बाइल डक्ट मैं लिखा था इनटू दी, कॉमन बाइल डक्ट जॉइंट्स विद दी पैंक्रियाटिक डक्ट एंड ओपन इनटू जॉइंट्स पैंक्रियाटिक डक्ट एंड मेक्स एग्जाम में लिखना है वो तुम्हारे प्रिंटेड नोट्स में, मतलब समझ में आ रही है, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट जो अच्छे लगते हैं है ना, जो अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, शो ऑफ करने में मजा आएगा क्लास में, ठीक है वो याद कर लेना। ठीक है, और टीचर को बोल देना, टीचर भी कंफ्यूज रहेगी। तो पॉइंट इज दिस कि तुम्हें अपने आंसर एनसीईआरटी पे बेस करना है, दैट मींस जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो हमारा एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है, जो प्रिंटेड नोट्स तुम्हें मिले हैं उसके ऊपर प्लस माइनस जो तुम्हें याद रहे और जो तुम्हें अच्छा लगे उसको सही लिखना। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, ड्यूओडेनम स्पेलिंग, व्हिच एंटर्स इनटू द ड्यूओडेनम ऑफ, which enters duodenum of small intestine। हम ही कह रहे हैं जो common bile duct है और pancreas, अभी हम पढ़ने वाले हैं next pancreas ही, pancreas से भी एक pipe आती है और liver से भी एक pipe आती है, ये दोनों pipes बना लेती है एक नया duct, कौन सा?
हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। अच्छा, ये इसमें बाइल आ रहा है और इसमें पैंक्रियास का जूस आएगा, दोनों मिल जाएंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, पैंक्रियास। तो पैंक्रियास इज अ कंपाउंड या ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड यानी कॉम्प्लेक्स ग्लैंड। कंफ्यूज है कि इसे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर, इसने मेडिकल भी ले लिया है और इसने मैथ्स भी ले लिए, तो अब ये डॉक्टर भी बन सकता है इंजीनियर भी बन जाता है। जब पेशेंट आए तो डॉक्टर, नहीं तो मशीन देखे तो इंजीनियर। तो ये एक अजीब सा ग्लैंड है बॉडी का, ऐसे ग्लैंड होते नहीं है। कुछ ग्लैंड या तो कोई डॉक्टर होते हैं या कोई इंजीनियर होते हैं। तो ये डॉक्टर और इंजीनियर दोनों का काम करने चला है और कर रहा है अच्छे से। ये एंजाइम्स भी रिलीज करता है और हार्मोन भी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एंजाइम और हार्मोन। अदरवाइज हमारे दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और एक जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो पैंक्रियास इज अ कंपाउंड ग्लैंड व्हिच सिक्रीट्स बोथ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, व्हिच सिक्रीट्स, एंड इट इज द ओनली ग्लैंड दैट डज दैट इन आवर बॉडी। सिर्फ एक ही ग्लैंड है बॉडी का जो एंजाइम और हार्मोन दोनों रिलीज कर सकता है, दैट इज पैंक्रियास बोथ। अब तुमने मुझसे पूछा ही नहीं एंजाइम का और हार्मोन का मतलब क्या होता है। एंजाइम एंड हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन में क्या डिफरेंस है? एक हार्मोन का पता है कौन सा? एड्रेनालिन। अच्छा, एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट यानी रिएक्शन की रेट को फास्ट कराते हैं, बट हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर माने ये हमारे सिग्नल्स लेके जाते हैं इधर से उधर, जैसे
जैसे तुम्हारी हाइट बढ़ानी है तो ये तुम्हारी ब्रेन से निकलेंगे और जहाँ पे भी तुम्हारे मसल्स बोन्स को बढ़ाना होता है तो वहाँ पे मैसेज लेके जाएंगे कि हाइट बढ़ाओ, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? ब्रेन से। तो इट इज अ केमिकल मैसेंजर। क्या होगा तू मैं और तू गुंडागर्दी बंद करते हैं, ये भी आर्टिफिशियल नहीं कर सकते क्या? गुंडागर्दी बंद कर दे तू, ऐसे बच्चों को परेशान कर दे। आर्टिफिशियल हॉर्मोन, आर्टिफिशियली हॉर्मोन नहीं। अगर तुम स्ट्रेस में रहोगे, परेशान रहोगे तो हॉर्मोन बॉडी से खुद ही कम निकलते हैं। इफ यू एक्सरसाइज, इफ यू मतलब तो एक्सरसाइज करिए, प्रेशर तुम प्रेशर दे रहे हो तो नहीं निकलेगा, ये कह रहा हूँ मैं। इफ यू स्ट्रेस ऑन इट तो वो और मुश्किल होगा। अगर तुम एक्सरसाइज करोगे, खुश रहोगे, ठीक है, तो खुद ही हॉर्मोन्स बढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है माइंड? अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे थे? हॉर्मोन मैसेंजर होते हैं, क्या होते हैं? और एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? मैसेंजर का काम क्या होता है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लाना। जैसे हमें डर लगता है तो अचानक से बॉडी में एक फीलिंग आती है कि अरे भाई हार्ट भी तेज चल रहा है और लंग्स में सांस भी फूल जाती है। जब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, डॉगी पीछे पड़ा हो, अचानक से एनर्जी नहीं होती आती, वो कौन सा हार्मोन है? एड्रेनलिन। वो क्या है? एड्रेनलिन। उसे बोलते हैं फाइट और फ्लाइट। या तो किसी का मुंह तोड़ने के काम आती है या खुद भागने के लिए। तो या तो फाइटिंग या फ्लाइट, मतलब जो तुम भागे हो। तो फाइट और फ्लाइट का हार्मोन भी हमारे हर एक ऑर्गन तक पहुंचा देता है मैसेज कि भाई डॉगी नीचे पड़ा है। हार्ट को बोलता है जल्दी से बीट कर, लंग्स को बोलता है ज्यादा सांस लो, मसल्स में एनर्जी आ जाती है अचानक से। तो वो चीजें एड्रेनलिन सारे मैसेज को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, समझ में आई बात? बोलो के डाउट, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम और कौन सा हार्मोन ये रिलीज करता है? एंजाइम जो ये रिलीज करता है पैंक्रियास इज, तुमने सुना होगा, इंसुलिन। यस यस सर। जिसके कम प्रोड्यूस होने से डायबिटीज होती है। उल्टा लिख दिया हार्मोन है। इंसुलिन इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय, तो दैट मींस अगर पैंक्रियास ढंग से एंजाइम ना प्रोड्यूस करे या एंजाइम का काम बॉडी में कम हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है। तो डायबिटीज इज वेरी सीरियस डिसऑर्डर जो कि इसकी वजह से होता है हार्मोन, ठीक है, और इसकी कमी से, किसकी कमी से? इंसुलिन। तो जिसको होता है उसे इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक है, तो ऑन डेली बेसिस भी। तो एंजाइम जो है दैट इज नॉट जस्ट वन बट मेनी, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। कुछ नाम बता देता हूँ, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन रिलीज होगा इसी फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजेन। कैसे रिलीज होता है? ट्रिप्सिनोजेन। जैसे पेप्सिन किस फॉर्म में रिलीज होता है? ट्रिप्सिनोजेन। ऐसे ट्रिप्सिन रिलीज होता है ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन, पेप्सिन कैसा हार्मोन था? प्रोटीओलिटिक, प्रोटीन डाइजेस्टिंग। ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग है। ट्रिप्सिन इज ऑल्सो प्रोटीन डाइजेस्टिंग। दोनों का नाम भी जैसे है, ट्रिप्सिन पेप्सिन, है ना, दोनों के दोनों प्रोटीन तोड़ते हैं, ठीक है, पर उस स्टमक में तोड़ता है कौन? पेप्सिन। और ये कहाँ तोड़ते हैं प्रोटीन को? इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में। पैंक्रियास में तो खाना जाते ही नहीं, पैंक्रियास तो ग्लैंड है ना, ठीक है। ट्रिप्सिन के बाद देयर इज आल्सो अनदर एंजाइम ऑप्शनल टू लर्न। ये वाला तो याद करना ही है ट्रिप्सिन, तो ये वाला तुम्हारे लिए ऑप्शनल है। चलो पहले वो लिखता हूँ जो है, लाइपेस। लाइपेस फैट्स को तोड़ता है। लाइपेस किसको तोड़ता है? फैट्स। अच्छा, फैट्स को तो बाइल भी तोड़ रहा था, तो ये क्या खास काम है? ये डाइजेस्ट करने और वो तोड़ता है। यस, लाइपेज जो है फैट डाइजेस्टिंग है। कैसा है? मतलब फैट को केमिकली तोड़ता है, केमिकली। ये नहीं कि उसके ड्रॉप्स छोटे कर दिए। तो ड्रॉप्स कौन छोटे करता था? बाइल। कौन छोटे ड्रॉप कर देता था? कीटांजल, बाइल। और उसको बाद में केमिकली कौन तोड़ता है? लाइपेज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और भी बहुत सारे हैं, अमाइन, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला। कार्ब डाइजेस्टिंग इज अमाइलेज, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इन सब के बाद, देखिए आप,
amylase, AMYLASE, carbase. इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, ठीक है. तो विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी? लीवर. विच इज द ओनली ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस हार्मोन एंड एंजाइम? पैनक्रियास. ठीक है. विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज? पैनक्रियास. इंसुलिन. हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन. अच्छा, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? अच्छा अच्छा, नेम अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक. पेप्सिन. पेप्सिन. हार्मोन को और एंजाइम को तो हम पेप्सिन ही बोलेंगे. क्या बोलेंगे? पेप्सिन, क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म की बात करेंगे. विच एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द पैंक्रियास फॉर डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स? हेलो, तो क्योंकि दो तीन क्लास तो लगी थी अब देखता हूँ मैं बात सारे अलग से कॉल करता हूँ. पैंक्रियास इज़ द कंपाउंड ग्लैंड व्हिच सीक्रेट्स बोथ एंजाइम एंड हार्मोन. ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारी बात. अच्छा, तो क्वेश्चंस फॉर होमवर्क ले लें. होमवर्क के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर टू. अच्छा, माइलेज कहाँ कहाँ रिलीज होता है? और नहीं, इन दिस टाइम पे तो हमने पढ़े नहीं. वेयर इज अमाइलेज सिक्रीटेड इन द बॉडी? नॉट लिवर. लिवर प्रोड्यूस बाय एक तो पैंक्रियास से और एक सलाइवरी अमाइलेज. सुना था सलाइवा में? तो वेयर इज अमाइलेज सिक्रीटेड इन बॉडी? दो जगह पे, पैंक्रियास एंड सलाइवरी. सलाइवरी ग्लैंड, एक पैंक्रियास में और एक सलाइवरी में. तो उसको तुम मिक्स नहीं करोगे. क्वेश्चन नंबर थ्री. हाँ, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ structure and function of stomach and its glands and its glands. Okay, that pancreas and liver. किस में? pancreas को stomach में बढ़िया कहाँ पे? उसे बाहर जाए. हाँ, तो stomach में बढ़िया है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर फोर. नेम, बस नेम वाला है. नेम टू, नेम टू फर्स्ट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स. Proteolytic enzyme, second is hormones,
disorders of GIT, gastrointestinal tract, can I digestive system can do disorders. अरे छुट्टी ज्यादा है मॉडल नहीं सर चैप्टर 1 किस किस का रहता है मेरा केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन मेरा दोबारा किस किस से करना है दोबारा